हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का आज थर्ड वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। पहले वीडियोस जो हमने किए हैं उसमें मेनली जो हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे, रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन, ट्रायल इवेंट्स, इन सब की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। और इसके अलावा हमने देखा था क्या जो अप्रोचेज हैं प्रोबेबिलिटी की, वो प्रोबेबिलिटी की मेनली तीन अप्रोचेज हमको पढ़नी है। और उस सीक्वेंस में जो पहली हमने प्रोबेबिलिटी की अप्रोच पढ़ी थी वो थी क्लासिकल अप्रोच। तो क्लासिकल अप्रोच के बारे में डेफिनेशन मैंने आपको करा दी थी, जो मेनली आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं वो जो अप्रोच है वो ही क्लासिकल अप्रोच होती है। क्लासिकल अप्रोच में क्या था कि फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम से डिवाइड करते हैं तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। आज का जो वीडियो है वही क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्लासिकल अप्रोच का ही सेकंड वीडियो हम कह सकते हैं। इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आज तीन न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं क्लासिकल अप्रोच पे बेस्ड है। पहले ये तीन क्वेश्चंस हम करेंगे और उसके बाद हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे या ड्रॉबैक्स हम कह सकते हैं किसके, क्लासिकल अप्रोच के। तो क्लासिकल अप्रोच उसके लिमिटेशन आज मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन हम इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं तो लिमिटेशन हम बाद में करेंगे, ड्रॉबैक्स बाद में करेंगे। पहले वन बाय वन ये तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अ बैग कंटेन्स सेवन क्या है, रेड बॉल्स, 12 वाइट बॉल्स और 4 क्या हैं, ब्लू बॉल्स। टोटल कितनी बॉल्स हो गई फिर, 23। अब हो क्या रहा है, इन 23 बॉल्स में से तीन बॉल्स सेलेक्ट की जा रही हैं और आपको बताना है कि वो तीन बॉल में हर एक बॉल एक इंडिविजुअल कलर की हो, यानी कि वो तीन बॉल्स में एक बॉल रेड होनी चाहिए, एक बॉल वाइट होनी चाहिए और एक बॉल क्या होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। तो टोटल केसेस, टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करें कितने होंगे वो टोटल आउटकम्स, टोटल बॉल्स कितने, 23, और 23 बॉल्स में से हमको कितनी एट ए टाइम सेलेक्ट करनी है, दो, तो 23 सेलेक्ट करनी है, तो 23C3 ये टोटल आउटकम्स हो गए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7 रेड बॉल में से कितनी रेड बॉल निकलनी चाहिए, सिर्फ एक, क्योंकि आपको तीनों जो बॉल हैं एक एक कलर की चाहिए। दूसरा 12 में से आपको एक बॉल चाहिए और 4 में से एक बॉल चाहिए, और अपॉन में टोटल आउटकम्स 23C3। तो ये आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 20 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल टर्म्स को सॉल्व करना आपको आता है, आप इसको सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करके आपको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्पेक्यूलेशन, ये वर्ड आपको दिया हुआ है, ये देखिए आप इसमें टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, 11 टोटल अल्फाबेट्स हैं, 11 लेटर्स हैं इसमें। वट इज द चांस या प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन एस एंड पी। इसको पहले ध्यान से समझिए आप, एक टर्म आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन और एक टर्म आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन, क्लास 11 का कंसेप्ट है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में मेनली डिफरेंस क्या होता है, परम्यूटेशन में आप सिर्फ अरेंज करते हो एलिमेंट्स को, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ सिलेक्शन करना होता है। तो फिलहाल जो मेनली डिफरेंस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का होता है कि अगर मैं बात करूं, अगर दो लोग हैं
राम एंड श्याम, जो डिफरेंस है दोनों का मैं बता रहा हूँ। राम और श्याम अगर हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, तो परमुटेशन की बात करेंगे तो राम श्याम से हाथ मिला रहा है या फिर श्याम राम से हाथ मिला रहा है, तो दो केसेस काउंट होंगे। अरेंजमेंट हो रहा है तो ये दो केसेस जो हैं जिसमें आप दोनों केसेस सेलेक्ट करते हो उस, या दोनों केसेस को काउंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होगा, राम और श्याम मिला तो दोनों एक दूसरे से हाथ रहे हैं, तो एक ही केस काउंट होगा। या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल मैं कहूँ, अगर कोई क्लास टीचर बोलता है कि राम और श्याम क्लास के बाहर चले जाओ, तो इसमें आपके दो केसेस क्या क्या बनते हैं कि राम पहले नंबर पे गया और श्याम दूसरे नंबर पे गया, या फिर श्याम पहले गया एंड राम सेकंड नंबर पे गया, तो कितने केसेस बने, दो केसेस। तो जिसमें ऑर्डर भी काउंट होता है उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन, अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जब राम और श्याम को क्लास के बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है तो जा तो दोनों रहे बाहर, चाहे राम पहले जाए चाहे श्याम पहले जाए, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ये मेनली डिफरेंस होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। तो टोटल 11 लेटर्स हैं और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे वर्ड्स की जिसमें एस और पी के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, दो अल्फ़ाबेट्स। तो पहले हम टोटल आउटकम्स देखते हैं। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स में आप देखिए, आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हैं 11, और 11 में से सिर्फ किन दो को अरेंज करना है आपको, एस और पी को, बाकी कोई भी अल्फ़ाबेट कहीं भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 11P2 यानी कि 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया इससे, तो कितना आ जाएगा, ये 11, ये 5 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कितना, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 55। तो ये 55 केसेस हो गए, 11 इंटू 10 इंटू, सॉरी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे गलत लगा दिया है, क्योंकि परम्यूटेशन हम यूज़ कर रहे हैं तो परम्यूटेशन में फॉर्मूला क्या होता है, 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल आएगा, सिर्फ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं यूज़ कर दिया था इसमें, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, तो 110 टोटल आउटकम्स हो गए। अब देखिए केसेस क्या बनेंगे, कि एस फर्स्ट पोजिशन पर आ जाए और एस के बाद एस और पी के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, चार अल्फ़ाबेट, यानी कि इसका का मतलब अगर एस फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो पी कौन सी पोजीशन पे आएगा, पी आएगा आपका सिक्स पोजीशन पे। एक केस तो ये बन गया। एस अगर सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो पी किस पोजीशन पे आना चाहिए, सेवन्थ पोजीशन पे। एस अगर थर्ड पोजीशन पे आ रहा है तो पी किस पोजीशन पे आना चाहिए, एट्थ पे आना चाहिए। एस अगर फोर्थ पे आ रहा है तो पी किस में आना चाहिए, नाइन्थ पे आना चाहिए। एस अगर फिफ्थ में आ रहा है तो पी कहाँ आना चाहिए, टेंथ पे। और एस अगर सिक्स्थ पोजीशन पे आ रहा है तो पी कहाँ आना चाहिए, इलेवेंथ पोजीशन पे। क्या सेवन्थ वाला केस भी इसमें बनेगा, अगर एस सेवन्थ प्लेस पे आएगा तो पी कहाँ आ जाएगा, ट्वेल्थ पे। तो ट्वेल्थ अल्फ़ाबेट तो यहाँ पे ही नहीं, टोटल इलेवन है। तो इतने केसेस आपके बन रहे हैं, और एक टोटल केसेस कितने हैं आप देखिए, 1 2 3 4 5 6। इस न्यूमेरिकल को मैं हटा दे रहा हूँ, सिक्स केसेस तो बन रहे हैं। इसमें भी एस और पी के बीच में क्या होगा, जैसे एस यहाँ पर रखा आपने, 1 2 3 4, एक पी आ गया और बाकी जितने प्लेसेस बची हैं वो आएंगी। एस फर्स्ट पे और पी कहाँ पे आ रहा है, सिक्स पे। लेकिन वो केस भी तो हो सकता है जिसमें पी यहाँ आ जाए एस यहाँ आ जाए, तो हर एक केस में पी और एस को इंटरचेंज करने वाला एक केस और बनेगा। तो सिक्स केसेस तो ये हो गए, इंटू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं, 110। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55। तो 6/55 हो गई प्रोबेबिलिटी किसकी, ऐसे वर्ड्स की जिसमें एस और पी के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, फोर अल्फ़ाबेट्स। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 9
इन अ सिंगल थ्रो विद टू डाइस। अगर हम सैम्पल स्पेस की बात करें और टू डाइस को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या आउटकम्स बनेंगे, वन वन, वन टू से लेकर के 1 6, फिर 2 1, 2 2, 2 6, और ऐसे करते हुए लास्ट क्या आएगा, 6 1, 6 2 से लेकर के 6 6। ये तो टोटल सैम्पल स्पेस हमारा बन गया। इसमें देखिए, अब ऐसे हमको इवेंट हम मान लेते हैं ए जो हमको निकालना है, ऐसे इसमें से पेयर हमको लेने हैं जिसमें दो दोनों नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं इसमें, 3 6 है जिसका सम क्या है, 9 है, 6 3 है, और क्या हो सकता है, 4 5 और 5 4। इसके अलावा और कोई केस बनेगा नहीं इसमें, आपको सिर्फ ऐसे पेयर इसमें बनाना है जिनका सम क्या है, 9 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36, 1 बाय 9, और 1 बाय 9 प्रोबेबिलिटी हमको इसमें प्रूफ भी करनी थी। तो क्लासिकल अप्रोच जो थी उसके डेफिनेशन के साथ कुछ न्यूमेरिकल मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताए थे, डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, और कुछ 3 न्यूमेरिकल्स मैंने आज कराए क्लासिकल अप्रोच के। अब हम देखते हैं इसकी क्लासिकल अप्रोच की लिमिटेशंस क्या क्या थी, हुई थी, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स थे, वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो वन बाय वन लिमिटेशंस हम क्लासिकल अप्रोच के देखते हैं। पहली जो लिमिटेशन है वो क्या है, दिस डेफिनेशन फेल्स व्हेन वेरियस आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल आर नॉट इक्वली लाइकली। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको इसका देता हूँ। आप जब डाइस डाइस वाला जब गेम हम खेलते थे उसमें क्या होता है, या कॉइन वाला अगर हम बात करें, तो अगर कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं उसमें जो आउटकम्स हैं वो हेड और टेल आएंगे, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, हाफ होती है। लेकिन अगर कॉइन में दोनों साइड ही हेड हो तो उस केस में आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, वो जो होगा वो आंसर ही आपका चेंज हो जाएगा। या फिर जो डाइस वाला गेम की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो गेम में अगर आप चीटिंग करें, प्रैक्टिकली अगर हम इसको समझें, तो कभी कभी क्या होता है कि हम उस डाई को इस तरीके से फिक्स कर देते हैं कि हमेशा उसमें 6 आता है, बार बार 6 आया जा रहा है, तो उस केस में जो जो आउटकम्स है वो क्या है, इक्वली लाइकली नहीं है। और अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो वैसे अगर हम डाइस वाले गेम की बात करें तो उसमें हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 1 बाय 6। लेकिन अगर उसमें अनबायस्ड हम कर दें उसको, अनबायस्ड और बायस्ड होता है, तो अगर अनबायस्ड का मतलब क्या है कि हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 6 है, लेकिन अगर बायस्ड कर दें, बायस्ड का मतलब क्या है कि हम उसमें चीटिंग कर रहे हैं कि बार बार 6 आ रहा है या 4 आ रहा है, तो उस तरीके के केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो सबसे मेन ड्रॉबैक इसका क्या था कि अगर इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं ये मैं सबसे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अगर इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है तो उस केस में जो क्लासिकल अप्रोच है वो फेल हो जाती है, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, दिस डेफिनेशन इज़ यूजफुल ओनली वेन वी डील विद द कार्ड गेम्स, डाइस गेम्स एंड कॉइन टॉसेस एंड द लाइक। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके के गेम्स जब हम प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं कि कार्ड गेम या डाइस गेम्स या कॉइन गेम्स हैं, इस तरीके के कोई इसके अलावा कोई भी गेम्स हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन अप्रोच होती अप्रोच यूज़ होती है। अगर इसके अलावा किसी और इवेंट में हम जाते हैं तो ये क्लासिकल अप्रोच उतनी यूज़फुल नहीं होती है। तो इस तरीके के इवेंट्स में ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सेकंड ड्रॉबैक ये था कि आप इसको कहीं हर एक इवेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड लिमिटेशन क्या है, इट डज़ नॉट कंसिडर दो सिचुएशंस दैट आर अनलाइकली बट दैट कुड कंसीवेबली हैपन। कंसीवेबली हैपन का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को दोबारा से आप देखिए, इट डज़ नॉट कंसिडर दोज सिचुएशंस दैट आर अनलाइकली बट दैट कुड कंसीवेबली हैपन का मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल इसका भी दे रहा हूँ मैं, जैसे कॉइन की हमने बात करी कि एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, इसमें हम कौन सा केस काउंट करते हैं, या तो हेड का या टेल का। लेकिन अगर सपोज वो कॉइन
में ना तो हेड आ रहा है ना टेल आ रहा है, यानी कि वो कॉइन अगर सीधे खड़ा हो गया, ना टेल ना हेड कुछ भी ना आए, तो उस केस को हम इस प्रोबेबिलिटी में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन वो केस तो पॉसिबल है, कभी ना कभी तो ऐसा केस पॉसिबल हो सकता है। तो उस केस में इस तरीके के जो केस हैं वो क्लासिकल अप्रोच में काउंट नहीं होते हैं। और लास्ट क्या है, इन केस द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस इन अ ट्रायल इज इनफाइनाइट, देन ऑल्सो दिस डेफिनेशन फेल्स टू गिव द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अगर नंबर ऑफ केसेस इनफाइनाइट हो गए तो उस केस में इस क्लासिकल अप्रोच को भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये डेफिनेशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अगर टू और थ्री दो रियल नंबर्स हमने लिए और टू और थ्री के बीच में किसी भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालनी है, तो टू और थ्री के बीच में सपोज 2.1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, तो टू और थ्री के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं, दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी में जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 हो जाएगा, और अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं, इनफाइनाइट, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ऐसे जो केसेस होते हैं जिसमें टोटल आउटकम्स क्या हैं, इनफाइनाइट है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी आपको 0 मिलेगी, या प्रोबेबिलिटी आपको मिल ही नहीं पाएगी। तो इस तरीके के केसेस में जहाँ पे एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस अगर इनफाइनाइट हो जाए, तो उस केस में भी क्लासिकल अप्रोच का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये मेन ड्रॉबैक्स थे इसके क्लासिकल अप्रोच के। तो एग्ज़ाम्स में क्लासिकल अप्रोच विद लिमिटेशंस पूछा जा सकता है, तो इन पॉइंट्स को आप याद रखें। आज का जो वीडियो था उसमें हमने क्लासिकल अप्रोच की डेफिनेशन पढ़ी, और उसके साथ साथ हमने क्लासिकल अप्रोच के मैंने आपको लिमिटेशंस बताई, और उसके अलावा हमने उसके दो तीन न्यूमेरिकल्स करे थे। अब इसके अगले वीडियो में हम जो नेक्स्ट अप्रोच हमारी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके डेफिनेशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे।